बीजापुर जिले के तर्रेम में शनिवार को हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हुए थे, जिसमें राजनांदगांव जिले के आलीखूटा गांव के रहने वाले एसटीएफ के जवान जगत राम कंवर भी इस घटना में शहीद हो गए, जिनका पार्थिव शरीर आज उनके गांव पहुंचा, जहां उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। राजकीय सम्मान के साथ शहीद जवान का अंतिम संस्कार किया गया। प्रदेश के कांग्रेसी सरकार बनने के बाद नक्सल हमला 20% बढ़ा है, यह आरोप सांसद संतोष पांडे ने प्रदेश सरकार पर लगाया है। नक्सली हमले में शहीद हुए जगत राम कंवर के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में पहुंचे राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब से कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनी हुई है, तब से प्रदेश में नक्सली हमले 20% बढ़े हैं, और उन्होंने कहा कि सरकार विफल रही। संतोष पांडे ने यह भी कहा कि शहीद हुए इन वीर सपूतों को मेरा सादर नमन है, और संतोष पांडे ने यह भी कहा कि पूरे देश में नक्सल गतिविधियां कम हुई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की गतिविधियां बढ़ी है, तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और सरकार को इसके लिए गंभीरता से सोचना चाहिए। वीर सपूत जगत कंवर को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और उन्होंने अपनी माटी का कर्ज चुका दिया, और आज जिस प्रकार से लगभग 25 जवान जो शहीद हुए हैं इस माटी के लिए, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। और जिस प्रकार से सम्माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और छत्तीसगढ़ तत्काल बिना देर किए हुए आकर के, और जो मनोबल को उन्होंने बढ़ाया है, और सभी जवानों ने संकल्प लिया है कि आने वाले समय में इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे और निश्चित रूप से फलीभूत होगा, यहाँ हम सभी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुँचे हैं। और यहाँ के अलावा जितने भी हमारे नौजवान जिन्होंने शहादत को प्राप्त किया है, उनको हम सभी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। किंतु इसके साथ ही एक बार छत्तीसगढ़ सरकार को अवलोकन करना चाहिए, पूरे देश में नक्सली गतिविधि कम हुई है किंतु छत्तीसगढ़ में 20% की वृद्धि हुई है, अवलोकन करना चाहिए, अपने आप में झांकना चाहिए। हरे प्रदेश के परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर भी शहीद को श्रद्धांजलि देने यहाँ पहुंचे। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मिलकर विशेष कार्य योजना बनाने की बात सामने आ रही है, और वीर जवानों का शहादत व्यर्थ नहीं जाएगा, नक्सलियों को उसके लिए मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वहीं अपने वीर सपूत को देखने ग्रामीण सैकड़ों की संख्या में पहुंचे और इस वीर जवान को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। नक्सल हमले के बाद वीर जवान वीर गति को प्राप्त कर जाते हैं और केंद्र और राज्य की सरकारें बड़े बड़े दावा करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद सभी इस घटना को भूल जाते हैं। बहरहाल देखना यह होगा कि केंद्र और राज्य सरकार इस बार क्या ठोस कदम उठाती है और नक्सलियों को किस तरीके का जवाब देती है। हमारे 22 जवान शहीद हुए थे, मैं उनको नमन करता हूँ, और यहाँ भी आज श्रद्धांजलि अर्पित करने हम लोग आए हैं। शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाता, और जिस प्रकार से भारत सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार मिलकर विशेष कार्य योजना बनाने की बात सामने आ रही है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में इसे हल इसका समाधान भी निकल सके। थैंक यू।